हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे तंदूरी नान, वो भी विदाउट तंदूर। और इसको हम बनाएंगे तवे पर, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल और एकदम सुपर सॉफ्ट हमारे नान बनके तैयार होंगे। जो हमारा दूध घर में फट जाता है और जिसका हम पनीर बना लेते हैं, उसका जो पानी बचता है, तो बस वही पानी हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, जो पानी है बच गया था पनीर बनाने के बाद, जिसकी आप वीडियो देख सकते हैं पनीर भुर्जी की, मेरे चैनल पर प्रीवियस वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने लिया 2 कप मैदा, आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर। अब जो हमारा पानी बचा हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो हम लगा के इसका तैयार कर लेंगे। इसमें ना ही हमें सोडा डालने की ज़रूरत है, ना ही इनो और ना ही दही। केवल इस पानी से ही इस आटे को हम गूंद के तैयार करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट जो आटा है हमारा लग के तैयार हो जाएगा। तो आपके पास जब भी इस तरीके से पानी बचे, तो आप इसको फेंके ना, आप आटा गूंदने में ले लें या फिर दाल या सब्जी बनाने में भी आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट एकदम आटा हमारा लग के तैयार हुआ। अब इसको हम 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे करीबन 10 मिनट हो गए थे आटे को रेस्ट पे छोड़े हुए। तो यहाँ पे अब मैं आटा निकाल लेती हूँ काउंटर टॉप पे। तो देखिए कितना सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हुआ। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है। अब इसको मैं स्ट्रेच कर लूँगी थोड़ा सा। तो एक हाथ से मैं इसको पकड़ लूँगी, दूसरे हाथ से मैं इसको इस तरीके से स्ट्रेच करती जाऊँगी। तो ये प्रोसेस हमें 4 से 5 बार करना है। और इस आटे में हमने ऑयल या घी का भी इस्तेमाल नहीं किया। और स्ट्रेच करने से क्या होगा, जब भी हम नान या कुलचे बेलेंगे तो वो बिल्कुल भी हमारे खिंचेंगे नहीं और अच्छे से बिल के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे सुपर सॉफ्ट एकदम आटा हमारा तैयार है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेती हूँ और इसको अच्छे से रोल कर लूँगी। अब इसकी मैं लोइयाँ कट कर लूँगी बराबर पीसेस में, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। अब यहाँ पे मैं एक लोई निकाल के तैयार कर लूँगी और बाकी की मैं साइड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने लगा दिए व्हाइट वाले तिल और इनको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकले। और इनको अब आराम से हम बेल लेंगे। आप चाहें तो इन पे कुछ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद से इस पर हरा धनिया भी लगा सकते हैं या फिर आप इनको सिंपल भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ओवल शेप में मैं सारे नान बना के तैयार कर लूँगी। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप इनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक मीडियम थिकनेस का हमें नान बनाना है। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, क्योंकि अगर मोटा हो जाता है तब भी ये तवे पे नहीं चिपकता है, तवे से निकलने लगता है। और बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो ये अच्छे से नहीं सिकता। तो यहाँ पे सभी नान मैं इस तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पे हम नान बनाने के लिए लोहे का तवा यूज़ करेंगे। लोहे के तवे पे जो नान है बहुत अच्छे बनते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है और मीडियम हाई फ्लेम पर हमें तवे को रखना है। और यहाँ पे एक साइड मैंने नान पे पानी लगा दिया और जिस साइड से हमने पानी लगाया उसी साइड से हम इसको तवे पर चिपका देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया एक रुमाल और रुमाल से हल्के हाथों से हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए तवे पे। और देखिए कितने अच्छे से जो हमारा नान है फूल चुका है। तो बस जब नान हमारा इस तरीके से फूल जाए, फिर हम तवे को उल्टा कर देंगे। और देखिए कितना बढ़िया फूल चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर दूंगी तवे को और घुमाते हुए चारों साइडों से हमें बहुत अच्छे से नान को सेक लेना है, जिससे कि नान हमारा किसी भी साइड से कच्चा ना रह जाए। तो यहाँ पे मैं सभी साइडों से अच्छे से नान को सेक ले रही हूँ। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम हाई के बीच में रखना है, बहुत ज़्यादा तेज हमें गैस नहीं करनी है, जिससे कि हमारा नान जल ना जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट नान हमारा बनके तैयार हुआ है। और देखिए कितने आसानी से ये छूट भी गया तवे पे से और दोनों साइडों से कितना अच्छा टेक्स्चर आया इसका। अब इसी तरीके से एक साइड हम पानी लगाते जाएंगे, तवे पे इसको रखते जाएंगे और रुमाल से हम इसको प्रेस करते जाएंगे। और जब ये फूल जाएगा तो इसी तरीके से हम चारों साइडों से घुमाते हुए अच्छे से नान को सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी नान मैं इसी तरीके से सेक के तैयार कर लूँगी। और बस यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं करना और सभी जो हमारे नान एकदम फ्लफी और एकदम अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए सभी का मैं टेक्स्चर आपको दिखाती जा रही हूँ साथ के साथ, एकदम हमारे परफेक्ट नान बनके तैयार हो रहे हैं एकदम फूले फूले से। यहाँ पे देखिए ये वाला भी कितना अच्छे से फूल चुका है। और बस यहाँ पे भी हम उल्टा तवा करके अच्छे से इनको सेक के तैयार कर लेंगे। और बहुत ही ईजिली ये तवे पे से छूट जाते हैं। देखिए कितने आराम से सभी नान हमारे छूटते जा रहे हैं तवे पे से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। देखिए कितना क्रिस्पी और अच्छा नान हमारा बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे हमारे सारे नान बन चुके हैं। तो आप चाहें तो इसके ऊपर घी लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं अपनी पसंद से। तो बस यहाँ पे जो मैंने पनीर भुर्जी बनाई थी उसको भी हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी पनीर भुर्जी रेडी है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने बनाई थी। और यहाँ पे हमारी एक डिनर या लंच, आप जो भी कहें, खाली हमारी बनके
तैयार हो चुकी है, एकदम परफेक्ट थाली बनके तैयार हुई है, वो भी घर के ही सामान से। यहाँ पे देखिए कितने फ्लफी एकदम परफेक्ट नान हमारे बनके तैयार हुए, एकदम सुपर सॉफ्ट, वो भी हमारे वेस्ट पानी से। कई लोग होते हैं कि इसको फेंक देते हैं, बट कभी भी आप इस तरीके से अगर घर पे पनीर बनाते हैं या आपका दूध फट जाता है तो कभी भी आप इस पानी को फेंके ना, आप इसको आटा गूंदने में ले सकते हैं, किसी भी सब्जी या दाल में ले सकते हैं, और इस तरीके से आप पूड़ी पराठे कुलचे नान किसी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि नान हमारे एकदम सुपर सॉफ्ट बनते हैं और कुछ भी हमें एक्स्ट्रा उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट थाली तैयार है। चलिए मैं आपको एक बाइट इसकी तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट हमारे नान बन के तैयार हुए थे। तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। तो जब भी आपके घर में दूध फट जाए तो आप उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, अच्छे से उसका यूज़ करें इस तरीके से, और एक कॉम्बो बना के तैयार करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वो थाली कैसी तैयार हुई। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।